माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। जी हां, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन लगातार इसी बात की जद्दोजहद में है कि कब वो जेल से बाहर आ जाए। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल जेल से इतनी आसानी से बाहर आएंगे, या फिर मनीष सिसोदिया जैसे 16 महीनों से जेल में बंद हैं, ऐसे अरविंद केजरीवाल को भी 16 महीने जेल में बंद रहना पड़ेगा? आखिर किस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हैं, पहला सिराज और दूसरी प्रज्ञा हमारे साथ है। आज इनसे जानेंगे की आखिरकार दिल्ली के जो समीकरण है वो किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिराज, पहला सवाल आपसे रहेगा की जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से, अगर इस बार भी जेल से बाहर नहीं आते हैं तो क्या लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? जी देखिए, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसके तहत कामयाबी जो है लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश किया कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, दिल्ली शराब नीति में उनका बहुत बड़ा हाथ है, जो 100 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी उसका इस्तेमाल विभिन्न चुनाव प्रचार में किए गए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस बार कहीं ना कहीं ये मामला उलट पड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि दिल्ली की राजदवन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। जस्टिस न्याय बिंदु ने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल है उनकी गिरफ्तारी निराधार है, वो गैर संवैधानिक है। इसके चलते आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। लेकिन देखिए, जैसे ही ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है, सीबीआई उन पर शिकंजा कस लेती है और ये मामला पूरी तरीके से अब बड़ी बेंच के पास भेजा गया है। अरविंद केजरीवाल की जमानत जो है वो काफी ज्यादा अभी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि भले ही ईडी मामले में उन्हें जमानत मिल गई लेकिन सीबीआई ने शिकंजा कसा है, ऐसे में और वक्त भी लग सकता है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव पर इसका असर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है और कहीं ना कहीं इनका शराब नीति मामले में पूरी तरीके से हाथ था, ये जनता जो है इससे कनेक्ट कर पाई और जनता ने कहीं ना कहीं समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो मुझे लगता है इसका नुकसान जो है आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ऐसे में इस बार आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आई। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पूरा कहीं ना कहीं फायदा उठाया। अगला सवाल मेरा प्रज्ञा से रहेगा। प्रज्ञा, क्या लगता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इतना काम किया, महिलाओं के लिए तमाम सुविधाएं दी और ऐसी काफी योजनाएं लागू की, लेकिन फिर भी दिल्ली के लोकसभा चुनाव हार जाते हैं? आपको क्या लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर नहीं आते हैं तो क्या वो चुनाव जीत पाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जितना समर्थन दिल्ली की महिलाओं के लिए किया है, चाहे वो रेप केसेस से रिलेटेड हो या फिर वो बस की सुविधा हो, चाहे वो पानी की सुविधा हो, चाहे वो बिजली की सुविधा हो, मुझे लगता है ये जरूर है कि हाँ, अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर आते हैं तो उन्हें यहाँ से वो जीत सकते हैं। जी बिल्कुल, अब ऐसे में ये पूरा समीकरण कहीं ना कहीं केजरीवाल के पक्ष में जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं पूरा मामला उनके हाथ से फिसलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके दो पहलू हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाते हैं तो जाहिर तौर पर उनको विधानसभा चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के कई ऐसे बेहतरीन काम रहे हैं जो दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं उनको पसंद करते हुए नजर आती है। हालांकि कहीं ना कहीं दिल्ली की जो जनता है वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, लेकिन अगर राज्य में देखा जाए तो वो अरविंद केजरीवाल उनकी फर्स्ट चॉइस है। ऐसे में तीन बार वो कहीं ना कहीं दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुके हैं, चौथी बार बैठेंगे नहीं, इसी पर सस्पेंस बना हुआ है। सिराज, क्या लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे तो अपनी जो कमान है वो किसको सौंपते हुए नजर आएंगे? और इसमें दूसरा सवाल अगर जोड़ दिया जाए तो फिर अखिलेश यादव और आजाद भी इस बार दिल्ली की विधानसभा में शिरकत कर सकते हैं, किस तरीके से पूरा माहौल बनेगा और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करना पड़ सकता है? देखिए, दिल्ली की राजनीति में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं तमाम जद्दोजहद का सामना करना पड़ा, और जाहिर सी बात है कि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर देश में सियासत तेज हो रही है। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं या फिर बने रहना चाहते हैं, ये उनकी च्वाइस है, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। वहीं एलजी पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर हो जाए। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल सक्षम नहीं होते हैं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की
की जो गति है उसको संभालने में, तो जाहिर सी बात है उनकी पत्नी जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रही है जमीनी तौर पर देखे तो अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है और वहां पर जाकर के सुनीता केजरीवाल खुले तौर पर 5 गारंटियां जो है वो देती है हरियाणा की जनता को। इसके साथ ही देखें तो अरविंद केजरीवाल जहां से देश के लोगों को मैसेज दिया करते थे उसी गद्दी पर बैठ के सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है वो मैसेज दिया करती है और कहीं ना कहीं तमाम तरह की बातों को वो सामने रखती हुई पाई जाती है। इसके साथ ही देखा गया कि जब इंडिया गठबंधन की रैली थी उस वक्त भी कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से वहां मौजूद थी, तो एक महिला नेत्री के तौर पर जिस तरीके से देखा सुषमा स्वराज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिला मुख्यमंत्री रही है, कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित रही है, तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल फर्स्ट जो चॉइस है वो हो सकती है। जी बिल्कुल, ऐसे में अब देखना होगा कि दिल्ली की सत्ता में सुनीता केजरीवाल कहीं ना कहीं काबिज होने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद भी शिरकत कर सकते हैं, वो शिरकत क्या अरविंद केजरीवाल के लिए फायदेमंद होगी नुकसानदायक होगी या अरविंद केजरीवाल को इस बार के विधानसभा चुनाव में झटका लगने वाला है, इस पर तो सस्पेंस बना हुआ है। आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा कि आखिरकार जो दिल्ली की राजनीति है वो किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाएगी तो जाहिर तौर पर इसका फायदा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर उनके हाथ से ये पूरा मामला निकल जाता है तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान केजरीवाल को उठाना पड़ सकता है। एक आखिरी सवाल और छोटा सवाल सिराज आपसे लेना चाहूंगी कि इस बार अगर आजाद आ जाते हैं तो जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ गठबंधन किया, क्या आजाद के साथ गठबंधन की कोई ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है? जी देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल किसी के साथ भी कहीं ना कहीं समझौता नहीं करने वाले, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर आजाद समाज पार्टी हो। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में देखा हमने कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ थी, वहीं पंजाब में देखा अलग अलग थी, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जहां पर सत्ता एक बार काबिज कर लेते हैं, जहां पर उनका जनाधार बन जाता है, वहां पर वो समझौता बिल्कुल भी नहीं करते। और इस मामले में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बेहतर है, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में गढ़ है, लेकिन इसके बावजूद उनने कांग्रेस को सीटें दी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं समर्थन दिया। तो अगर इस ढंग से राजनीति खेलेंगे तो अरविंद केजरीवाल की जीत होगी। अगर अरविंद केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी हो या फिर आजाद समाज पार्टी, ये तमाम जो पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है उसमें शामिल, कहीं ना कहीं इनको भी एक आध सीटें मिलती हुई नजर आएंगी और वोट प्रतिशत में भी कटौती देखने को मिल सकती है, और इसका खामियाजा मुझे लगता है सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ सकता है। और दिल्ली में बड़ा उलटफेर भी हो सकता है, अरविंद केजरीवाल को कोई शंका नहीं पैदा करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं हम है तो जो है हम है तो हमें कोई हिला नहीं सकता। आपने देखा कि अयोध्या जैसी सीटों पर, फैजाबाद जैसी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो ये जनता है, निर्णय कभी भी बदल सकती है, तो मुझे लगता है समझौता करना ही बेहतर होगा। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या वाकई में समझौता करते हैं या फिर अपने जिस तरीके से उनका एक रूल है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हालांकि इस बार मजबूरी की वजह से वो कांग्रेस पार्टी के साथ चले जाते हैं, उसके बाद वो गठबंधन तोड़ देते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि उनकी मजबूरी हो जाएगी किसी के साथ गठबंधन करना या फिर वो अपने कहे पर टिकते हुए नजर आते हैं। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पर।